हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिंग, चोकिंग एंड स्टॉलिंग। सर्जिंग, चोकिंग और स्टॉलिंग हमारे कंप्रेसर के अंदर होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर होता है। सर्जिंग क्यों होता है, क्या उसके रीज़न है, चोकिंग कैसे होती है और स्टॉलिंग भी क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। सर्जिंग, चोकिंग और स्टॉलिंग क्या होता है, एक एक करके मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम कंप्रेशन में जब कभी भी हम मास फ्लो रेट को जब कलेक्ट करते हैं, यानी कि आप स्टोरेज टैंक देख सकते हैं, ये मेरा कंप्रेशर और यहाँ पे ये लगा हुआ मेरा कंट्रोल वॉल्व। कंट्रोल वॉल्व हमारे मास फ्लो रेट को रेगुलेट करता है कि मुझे जो कंप्रेसर से जो भी मेरी मास फ्लो रेट आ रही है उसको मुझे किस हिसाब से मुझे स्टोरेज टैंक में भेजना है, इस चीज़ को मेरा कंट्रोल वॉल्व रेगुलेट करता है। यहाँ पे सर्जिंग और चोकिंग समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और फिर देन हम आगे पढ़ेंगे स्टॉलिंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सर्जिंग क्या होता है। तो यहाँ पे चीज समझ गए होंगे कि जब जो भी कंप्रेसर से, यानी कि हमारे इंपेलर से होते हुए डिफ्यूजर में जाएगी, डिफ्यूजर के आउटलेट से यानी कि हमारे केसिंग से बाहर जो मेरी प्रेशर आएगी, वो प्रेशर मेरा कुछ फ्लो रेट भी लेके आएगा। तो मुझे कितने फ्लो रेट में भेजना है, ये सारा चीज मेरा निर्भर करता है कि मैं कंट्रोल वॉल्व की कितनी ओपनिंग रखा हूं और कितनी क्लोजिंग रखा हूं। यानी कि सिंपली ये कह सकते हैं मास फ्लो रेट का मुझे यहां पे जो रेगुलेशन है कंट्रोल वॉल्व के हेल्प से होता है। स्टोरेज टैंक में मुझे इस प्रेशर को पहुंचाने के लिए, यानी कि इस मास फ्लो रेट पहुंचाने के लिए मुझे कुछ प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्रेसर के प्रेशर रेशियो की हेल्प से हम मास फ्लो रेट को वहां स्टोरेज टैंक में कलेक्ट करेंगे। इस स्टोरेज टैंक को डाउनस्ट्रीम भी कहीं कहीं बोला हुआ है, किसी किसी बुक में, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, मेरा वाई एक्सिस है प्रेशर रेशियो यानी कि P2/P1 है और मेरा एक्स एक्सिस मास फ्लो रेट है, दैट इज अवर एम। मास फ्लो रेट अगर मैं यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं कि अगर मैं इस कंट्रोल वॉल्व को अगर मैं पूरा खोल देता हूँ, अगर इस कंट्रोल वॉल्व को मैं पूरा खोल देता हूँ तो मेरा कंप्रेसर से पूरी की पूरी मास वहाँ स्टोरेज टैंक में चली जाएगी। यानी सिंपली ये कह सकते हैं कि ये मास फ्लो रेट का आप ग्राफ देख रहे हैं, मास फ्लो रेट और प्रेशर रेशियो में। तो अगर मैं मास फ्लो रेट पूरा खोल देता हूँ, यानी कि मैं कंट्रोल वॉल्व को पूरा खोल दूँ और मास फ्लो रेट मेरा फुल 100% अगर फ्लो हो रही है, तो उस केस में मेरा ये मैक्सिमम फ्लो रेट होगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे मुझे प्रेशर रेशियो भी मुझे चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्रेसर से स्टोरेज टैंक तक मैं जो भी मैं एयर का यहाँ पे आदान प्रदान कर रहा हूँ, तो उस एयर की मुझे मास फ्लो रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे प्रेशर रेशियो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरी ज़्यादा प्रेशर रेशियो रहेगी तो वो उतना ही ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, ये सपोज मान लीजिए मेरा डी पॉइंट है और डी पॉइंट पे मेरा यहाँ पे कुछ मेरा फ्लो रेट भी है, यानी कि मैं ये देखा कि अगर मैं कंट्रोल वॉल्व को पूरा ओपन कर देता हूं तो उस केस में मैं ऐसा थ्योरेटिकल मान रहा था कि मैक्सिमम फ्लो रेट मिलेगा। अगर मैं कंट्रोल वॉल्व यानी मास फ्लो रेट को मैं थोड़ा सा कम कर दूं, तो इस कंट्रोल वॉल्व को मान लीजिए मैं यहां तक ओपन करके रखा हूं, तो मैं हल्का सा यहाँ पे कंट्रोल और मेरी क्लोज है, ये मास फ्लो रेट मैं थोड़ा सा कम करता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट आता है। और एक चीज़ मैंने ये देखा कि डी पॉइंट में मेरा समथिंग कुछ प्रेशर रेशियो आ रहा है, लेकिन मेरा इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा प्रेशर रेशियो और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊँ। कैसे ज़्यादा बढ़ाऊँगा, तो मैंने एक काम किया कि मास फ्लो रेट को थोड़ा सा और कम कर दिया, यानी कि मैं इस सी पॉइंट पे आ गया और सी पॉइंट पे आप देख सकते हैं मेरा मास फ्लो रेट यहाँ पे हुआ, यानी कि मैं मास फ्लो रेट को थोड़ा सा और घटा दिया। तो मैं ये देखा कि जो मेरा डी पॉइंट पे जो प्रेशर रेशियो आ रही थी वो सी पर मेरी प्रेशर रेशियो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं प्रेशर रेशियो बढ़ाना चाहता था, तो मैंने क्या किया कि सिंपली मैं मास फ्लो रेट को कम कर दिया तो मेरी प्रेशर रेशियो बढ़कर डी से सी पॉइंट तक चली गई, यानी कि P2/P1 की वैल्यू प्रेशर रेशियो मेरा बढ़ गया। तो मेरी थोड़ी सी लालसा बढ़ी, मैंने सोचा मैं मास फ्लो रेट को और कम करके देखता हूँ। तो मैंने मास फ्लो रेट बी पॉइंट पर लाके देखा और बी पॉइंट पर लाके देखा तो मैं देखा कि अगेन यहाँ पे मेरी प्रेशर रेशियो जो थी वो फिर से बढ़ गई। मैंने बोला बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर मैं मास फ्लो रेट कम करते जा रहा हूँ तो मेरी प्रेशर रेशियो बढ़ते चलते जा रही है। मैंने अगेन यहाँ पे एक और चीज़ किया कि मैंने और मास फ्लो रेट कम कर दिया। अभी मास फ्लो रेट मेरा यहाँ पे था, मैं मास फ्लो रेट और कम कर दिया, सपोज मान लीजिए यहाँ कर दिया, और मैं जब यहाँ पे प्रेशर रेशियो वाली जो मेरी ग्राफ है ये लाइन देखा तो यहाँ पे मेरा ये कुछ डिक्रीज होते देखने को मिला। यानी कि मैं यहाँ पे जब मास फ्लो रेट को जब कम किया तो यहाँ पे मेरा प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे चीज़ें विपरीत हो गई। अभी तक ये हुआ कि मैं तीन पॉइंट पर मैं जब मैं मास फ्लो रेट कम कर रहा था तो वहां पे प्रेशर रेशियो बढ़ रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मेरी मास फ्लो रेट कम किया तो मेरी प्रेशर रेशियो घट गई। क्यों हुआ ये? यही फिनोमिना कहलाता है सर्जिंग फिनोमिना। ये हुआ कैसे? कैसे मास फ्लो रेट कमने से ये मेरा प्रेशर रेशियो डिक्रीज हो गया? समझते हैं इस कंप्रेसर पे। यहां पे अभी तक ये हो रहा था कि मैं मास फ्लो रेट सपोज मान लीजिए यहां पे मैं कम करते आ रहा था तो मेरा प्रेशर रेशियो यहां पे बढ़ते चलता जा रहा था। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मान लीजिए यहां पे मेरा 20 बार प्रेशर रेशियो था,
मेरा यहाँ पे 20 बार प्रेशर रेशियो था, यानी कि कंप्रेसर के आउटलेट में मैंने 20 बार प्रेशर रेशियो से अपनी मास फ्लो रेट अपनी एयर को भेज रहा था। 20 बार से जब जा रहा था तो स्टोरेज टैंक पर भी ये 20 इकट्ठा हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, यानी कि यह समय, यानी कि बी पॉइंट मेरा मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पॉइंट है, यानी बी पॉइंट पे मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर रेशियो देखने को मिलेगी। अगर मैं बी पॉइंट से और ज्यादा प्रेशर रेशियो की इच्छा जागृत करूंगा तो वहां पे मेरा प्रेशर रेशियो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, जब मैं यहां पे मास फ्लो रेट, यहां पे कंट्रोल वॉल के हेल्प से मैं मास फ्लो रेट कम करते चलते जा रहा था तो मुझे प्रेशर, मान लीजिए, मेरे पास यहां पे अधिकतम मिला। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं कंट्रोल वॉल को, यानी कि मास फ्लो रेट को, मान लीजिए मैं इतने ही ओपन करके रखा, मेरा मास फ्लो रेट बहुत कम जाने लग गया, यानी कि मास फ्लो रेट मेरा बहुत कम है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो मास फ्लो रेट जितना अगर कम हुआ तो हुआ ये कि यह प्रेशर रेशियो मेरा घट गया। अभी आप यही फिनोमिना यहां पे देखिए, ये हुआ ये कि एक समय ऐसा आया कि जब मैं कंट्रोल वॉल को बहुत कम खोला, मास फ्लो रेट मेरी कम हो गई, तो उस केस में इसका प्रेशर 20 बार था लेकिन यह प्रेशर मेरा 10 बार हो गया। इसका कारण यह था कि मेरी मास फ्लो रेट काफी कम थी। और जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे कि अगर मैं ज्यादा प्रेशर से ज्यादा अमाउंट में भेजूंगा तो मेरा प्रेशर रेशियो बरकरार रहेगा, लेकिन अगर मैं कम मात्रा में भेजूंगा और टैंक की प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, वो इकट्ठा होते जा रही है, तो वो उसको बैकफ्लो करवाएगा। यहां बैकफ्लो इसीलिए हुआ, और हुआ यह कि मेरा यहां पे प्रेशर रेशियो घटते देखने को मिला, कि यहां पे इस प्रेशर रेशियो तो ज्यादा ही थी, 20 बार थी, लेकिन मास फ्लो रेट कम होने की वजह से बैकफ्लो होना स्टार्ट हो गया था। और इस फिनोमिना को, यानी कि बी पॉइंट के इधर वाले पॉइंट को जितना भी बोलेंगे, इसी को हम कहते हैं सर्जिंग जोन। इस जोन को सर्जिंग जोन कहा जाता है। यहां पे मैंने लिखा है अनस्टेबल फ्लो, क्योंकि यहां पे होता यह है कभी प्रेशर इधर जाता है, कभी मेरा ये मास फ्लो रेट इधर आते जाता है। तो हमको ये कंप्रेशर में इस फिनोमिना को कहते हैं सर्जिंग। ये ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए, हमको बी पॉइंट ही हमको मैक्सिमम मिलता है। और अगर मैं बी से डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा यूजफुल ऑपरेटिंग रेंज होता है, कि इतने में अगर मास फ्लो रेट आप जो भी रखेंगे तो आपको प्रेशर रेशियो एक सही पैमाने पर मिलेगा। अब मैं बात करता हूं मास फ्लो रेट के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं ये कहूं कि मास फ्लो रेट में ज्यादा कर दूं तो क्या मेरा प्रेशर रेशियो पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर मैं मास फ्लो रेट ज्यादा करता हूं तो प्रेशर रेशियो घटते मिलेगा। लेकिन यहां पे जो ई पॉइंट है, यानी कि अगर मैं ये मान रहा था कंट्रोल वॉल्व को अगर मैं पूरा खोल देता हूं तो उस केस में मेरा ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम फ्लो रेट था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। यहां पे डिपेंड ये बताता है कि जो मेरी वेलोसिटी थी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो मेरी यहां पे मैक्सिमम हो चुकी है, सबसे ज्यादा हो चुकी है। यहां पे जो मेरा मैक नंबर होता है वो मेरा 1 के बराबर हो जाता है। मैक नंबर मतलब यहां पे जो रेशियो है मेरी वेलोसिटी ऑफ एयर और वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं, वो मैक्सिमम अपनी रीच कर चुकी है वो वेलोसिटी। इससे ज्यादा वो वेलोसिटी रीच नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा ये है मेरा मैक्सिमम मास फ्लो रेट हुआ। अगर इसके बाहर जाते हैं, अगर इससे हम और अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो मेरा मैक नंबर कन्वर्ट हो जाएगा सुपरसोनिक में, 1 है तो ये सोनिक है, यानी कि ये मेरा मैक्सिमम फ्लो रेट है डी पॉइंट। लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो मेरा मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और यहां पे मेरी होगी ये कि चोकिंग की यहां पे फिनोमेना देखने को मिलेगी। इसलिए मेरा जो डी से और ये जो ई वाला पॉइंट है, तो ये जोन मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा जोन कहलाता है चोकिंग जोन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर मैं प्रेशर रेशियो, अगर मैं मास फ्लो रेट को किस तरीके से रेगुलेट करता हूं तो वहां पे मेरे को कहां पे सर्जिंग का फिनोमिना होता है, और अगर मैं मास फ्लो रेट को अत्यधिक कर देता हूं या कंट्रोल वॉल्व पूरा ओपन कर देता हूं, ये अगर कंसिडर करता हूं, तो उस केस में भी मेरा वहां पे चोकिंग की फिनोमिना देखने को मिलती है। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि मेरा स्टॉलिंग। स्टॉलिंग हमारा इस फिनोमिना से थोड़ा सा अलग फिनोमिना है। यहां पे भी हमने कहीं ना कहीं एक टू और फ्रो मोशंस की ही बात करी है। अगर यहां पे ब्लेड का अरेंजमेंट सही तरीके से ना हो, यहां पे टर्बुलेंट फ्लो भी होता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आप, ब्लेड है मेरी कंप्रेसर की, मान लीजिए कंप्रेशन की ब्लेड अगर हमारी सही तरीके से डिजाइन है, एक एरोडायनेमिक शेप में डिजाइन है, और मेरा जो फ्लो एंगल है, अगर ये फ्लो एंगल मेरा सही तरीके से दिया गया है, तो मेरी पूरी फ्लो, यानी कि पूरा मेरा यहाँ पे मास यूटिलाइज होगा, या मेरी जो फ्लो है उसकी जो मोशन है वो पूरी तरीके से ब्लेड पर यूटिलाइज होकर वो पास हो रही है। लेकिन अगर मैं ब्लेड की अरेंजमेंट थोड़ी सी बिगाड़ दूं, या फिर मैं ये कहूं कि जो मेरी एयर आ रही थी वो एयर का एंगल मैं अगर ऊपर नीचे कर दिया, अगर एयर को मैं प्रॉपर नहीं रखा, तो आप देख सकते हैं मेरी ये फ्लो रेट पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाई है। यहाँ पे जो एयर का फ्लो था वो यहीं से पास हो जा रहा है, ब्लेड पे पूरी तरीके से एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। और अगर इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए, और अगर एयर का फ्लो एंगल
भी अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ना के बराबर यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि स्टॉलिंग कंडीशन इसलिए होती है, अगर मेरी ब्लेड की डिजाइन सही ना हो, एरोडायनामिक शेप हमारी ब्लेड की डिजाइन ना हो, तो उस केस में मेरा होगा ये कि सपोज मान लीजिए यहाँ से एयर पास हो रही है, लेकिन जब ये एयर पास हो रही है तो इसके एक विपरीत एयर भी लगेगी, तो यहाँ पे होगा ये टर्बुलेंट मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी गिरा सकती है। इसलिए ब्लेड की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो सही तरीके से उस एयर को एक्सपांड कर सके। दूसरी चीज, जो मेरा फ्लो एंगल है वो भी मेरा सही तरीके से होना चाहिए ताकि वो ब्लेड को रेगुलरली पाथ फॉलो करता हुआ चला जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय।